असलम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर दैट इज़ कल्चरल थ्योरी थ्योरी का नाम है कल्चरल थ्योरी तो इट मीन्स ये थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होगी जो कि कल्चर से रिलेटेड होगी तो हम लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा कल्चरल स्टडीज़ हमने उसमें बात की जो कल्चर है सोसाइटी है पावर है उसमें एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप को एनालाइज़ किया जाता है उस एनालाइज़ को करने के लिए जो फील्ड हम लोग चूज़ करते हैं वो कल्चरल स्टडीज़ की फील्ड होती है बिल्कुल उसी तरह कल्चरल थ्योरी भी सेम काम ही करती है यह हम कह सकते हैं कल्चरल थ्योरी को कल्चरल स्टडीज़ भी कहा जाता है तो बेसिकली कल्चरल थ्योरी ऑल्सो नोन एज़ कल्चरल स्टडीज़ और क्रिटिकल कल्चरल थ्योरी क्लियर तो इसका काम क्या था वही बात कल्चर के सोसाइटी के और पावर के दरमियान में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको एनालाइज़ करना उसको अंडरस्टैंड करना ये थ्योरी एक्सप्लोर है कैसे कल्चर जो है शेप आउट करता है और कैसे कल्चर शेप किया जाता है बाय सोशल पॉलिटिकल इकनॉमिक एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्सट यानी कल्चर सोशल पोलिटिकल और इकनॉमिक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट को कैसे शेप आउट करता है और सोशल पोलिटिकल इकनॉमिक एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट कैसे कल्चर को शेप आउट करते हैं ये भी कल्चरल थ्योरी ही एक्सप्लोर करती है क्लियर तो आप स्क्रीन पर देखें ज़रा कल्चरल थ्योरी ऑल्सो नॉन एज कल्चरल स्टडीज़ और क्रिटिकल कल्चरल थ्यूरी इज़ एन इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडीज दैट इमर्ज इन द ट्वेंटी सेंचुरी मिड ट्वेंटी सेंचुरी इट एम्स टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर सोसाइटी एंड पावर कल्चरल थियोरी एक्सप्लोर हाउ कल्चर शेप्स एंड इज शेप्ड बायशल सोशल पोलिटिकल इकनॉमिक एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, मतलब किया है इंटर डिसिप्लिनरी इसका मतलब क्या है जैसा कि क्रिटिकल थ्योरी का जब हमने पढ़ा था हमने तब भी वो बात की थी कि वो भी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है यानी एक ऐसी फील्ड जो कि सिंगल फील्ड नहीं है एक वेस्ट रेंज पे फैली हुई है एक ब्रॉडर एरिया पे फैली हुई पे है ब्रॉडर रेंज पे फैली है ब्रॉडर थियरीज़ को कवर करती है बिल्कुल वैसे ही कल्चरल थ्योरी है जो कि ब्रॉडर थ्योरीज को कवर करती है अब इसमें क्या क्या आ जाता है मीडिया स्टडीज़ लिटरेरी थ्योरी लिटरेरी स्टडीज़ एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी फ़िलोसफी सो ऑन ये सब के सब डिसिप्लिन से हम लोग कल्चरल थ्योरी के पर्सपेक्टिव्स को लेते हैं और इन सब डिसिप्लिन पे भी कल्चरल थ्योरी के पर्सपेक्टिव्स फैले हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि कल्चरल थ्योरी एंड अ वाइड रेंज ऑफ परस्पेक्टिव्स एंड अप्रोचेस Trying FROM VARIOUS वेरियस SUCH AS सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी लिटरेरी थ्योरी मीडिया स्टडीज एंड PHILOSOPHY, यानी कि इन सब परस्पेक्टिव से इन सब डिसिप्लिन से इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल्चरल थ्योरी है उसके कॉन्सेप्ट लिए गए हैं या जो कल्चरल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इन सब थ्योरीज में इन सब डिसिप्लिन में भी नजर आते हैं इसी का नाम इंटरडिसिप्लिनरी होता है ठीक है यानी कि एक ऐसी थ्योरी जो कि सिंगल इट एक थ्यूरी नहीं है बल्कि ब्रॉडर एरियाज़ को कवर करती है वेस्ट फील्ड है वेस्ट एरियाज़ को कवर करती है तो कल्चरल थ्यूरी का मेन फोकस किस पे होता है जो कल्चरल परस्पेक्टिव हैं उनको स्टडी करना मीनिंग्स को देखना रिप्रेजेंटेशंस को देखना और इनके इफेक्ट्स इंडिविजुअल के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर क्या है इनको देखना यानी कल्चर का कल्चर की प्रैक्टिस का उनके मीनिंग्स उनके रिप्रेजेंटेशंस का इफेक्ट इंडिविजुअल के ऊपर सोसाइटी के ऊपर क्या है ये सब कुछ कल्चरल थ्योरी के अंदर देखा जाता है यहाँ सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी जो एक्सप्लोर करती है कि कैसे कल्चर इन्फ्लुएंस करता है और शेप करता है सोसाइटी को ये फोकस करता है कि कैसे बिलीव्स वैल्यूज सिंबल्स और प्रैक्टिसेस क्रिएट किए जाते हैं शेयर किए जाते हैं ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं इन अ पार्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी सोसाइटी के अंदर और पार्टिकुलर ग्रुप के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में भी बात करता है कल्चरल थ्योरी और फर्दर मोर कल्चरल थ्योरी देखता है कि लोग कैसे जो चीज़ें होती हैं लाइक like आर्ट हो गया म्यूज़िक हो गया लिटरेचर हो गया लैंग्वेज रिचुअल्स कस्टम्स इनके साथ कैसे लोग इंगेज होते हैं कैसे लोग ये चीज़ें बनाते हैं कैसे कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट और शेप करते हैं सोशल रिलेशनशिप को आइडेंटिटीज़ को और पावर डायनमिक्स को कैसे कल्चर हमारे बिहेवियर को हमारे बिलीफ को हमारे वे ऑफ थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है कैसे कल्चर शेप आउट करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को कि हम कैसे वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कैसे हम इंट्रैक्शन कर रहे हैं दूसरों के साथ ये सब कुछ कल्चरल थ्योरी के अंदर आता है अब यहाँ पे कुछ की कॉन्सेप्ट कुछ थीम्स हैं कल्चरल थ्योरी के अंदर जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे नंबर वन आता है हमारे पास पावर एंड आइडियोलॉजी अब पावर एंड आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी आइडियाज़ बिलीफ एंड नॉर्म्स को कहते हैं और किसके होते हैं जिसके पास पावर होती है और पावर किसके पास है अथॉरिटीज़ के पास अपर लेवल के लोगों के पास जो कि अपर लेवल पे होने की बेस पे जो लोग हैं लोअर लेवल लेवल वाले उनको मार्जिनलाइज करते हैं उनको सप्रेस करते हैं उनको ओप्रेस करते हैं और ये हमें किस तरह पता लगा ये हम लोग को कल्चरल थ्योरी के बेस पे पता लगा अब देखें स्क्रीन पे कल्चरल थ्योरी एग्जाम हाउ पावर स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजीज अप्रोड विद इन अ सोसाइटी एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस एंड शेप कल्चरल प्रैक्टिस बिलीव एंड वैल्यूज़ इट एक्सप्लोर्स हाउ डोमिनेट ग्रुप्स मेनटेन देअ पावर एंड हाउ मार्शलाइज ग्रुप्स रेजिस्ट और चैलेंज दिज पावर डायनमिक्स ये तो हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट अब सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास विच इज रिप्रजेंटेशन इन डिस्कोर्स अगेन डिस्कोर्स किसकी है जिसके पास पावर है और जिसके पास पावर है उसकी ही डिस्कोर्स है उसकी ही लैंग्वेज है तो वो जैसे चाहे रिप्रजेंटेशन का यूज करे जैसे चाहे आइडेंटिटी की फॉर्मेशन करे तो कल्चरल थियोरी बेसिकली एनालाइज करती कैसे मिलिंग मीनिंग और नॉलेज कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं सर्कुलेट किए जाते हैं लैंग्वेज के थ्रू मीडिया के थ्रू सिंबल्स के थ्रू और रिप्रजेंटेशन के थ्रू ये इन्वेस्टिगेट करती है कि कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं वो रिप्र, उनको रिप्रेजेंट किया गया हुआ है और कैसे रिप्रेजेंटेशन उनकी आइडेंटिटी की फॉर्मेशन कर रही है सोशल हेरार्केस की फॉर्मेशन कर रही है उनके कल्चरल नॉर्म्स की फॉर्मेशन कर रही है देन है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ आइडेंटिटी एंड सब्जेक्टिविटी तो कल्चरल थ्योरी ये भी एक्सप्लोर करती कैसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी आइडेंटिटीज़ को अपनी सब्जेक्टिविटी को इन रिलेशन टू कल्चरल नॉर्म्स सोशल स्ट्रक्चर्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ सोशल स्ट्रक्चर्स के साथ कल्चरल नॉर्म्स के साथ जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं कैसे अपनी आइडेंटिटीज़ को क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे अपनी सब्जेक्टिविटीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं और ये भी एग्जामिन करती है कैसे आइडेंटिटीज जो है वो फैक्टर्स जैसे कि जेंडर हो गया रेस हो गया क्लास नैशनलिटी एंड सेक्सुअलिटी हो गया इन फैक्टर्स की बेस पे कैसे आइडेंटिटीज शेप्ड की जाती है कैसे आइडेंटिटीज़ बनाई जाती हैं एंड देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कंजम्पशन एंड पॉपुलर कल्चर तो कल्चरल थ्योरी ये भी इन्वेस्टिगेट करती है कि मैथ मीडिया का क्या रोल है कंज्यूमर कल्चर का क्या रोल है और पॉपुलर कल्चर का क्या रोल है किसके अंदर सोशल वैल्यूज़ को शेप करने के लिए डिज़ायर्स को और बिहेवियर्स को शेप करने के लिए ये ये भी एग्जामिन करते है कैसे पॉपुलर कल्चर रिफ्लेक्ट करता है और रेनफोर्स करता है डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ को और कैन बी ए साइट ऑफ रेजिस्टेंस एंड अल्टरनेटिव मीनिंग्स ये कैसे पॉपुलर कल्चर साइट ऑफ रेजिस्टेंस बनता है या अल्टरनेटिव मीनिंग्स क्रिएट करने की एक टूल बनता है देन है जी ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल फ्लॉज कल्चरल थ्योरी जो है वो जितना भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर आइडेंटिटीज़ के ऊपर पावर डायनमिक्स के ऊपर उसके बारे में भी बात करती है साथ ही साथ ये भी बात करती है कैसे कल्चरल प्रोडक्ट्स आइडियाज़ और प्रैक्टिस जो हैं वो किस तरह से सोसाइटी के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं इंट्रैक्ट कर रही हैं विद इन अ सोसाइटी आउटसाइड द सोसाइटी यानी कि नेशनल और रीजनल बाउंड्रीज़ के ऊपर और इसके बाद कैसे वो हाइब्रदेशन की तरफ जा रही हैं कल्चरल एक्सचेंज की तरफ जा रही हैं और कन्फ्लिक्स की तरफ जा रही हैं ये सब चीज़ें एड्रेस की जाती हैं कल्चरल थ्योरी के अंदर एंड देन इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट कल्चरल थ्योरी इज़ अ ब्रॉड एंड एवॉल्विंग फील्ड विद डाइवर्स परस्पेक्टिव एंड अप्रोचेज स्कॉलर्स एंड थियोरिस्ट विद इन कल्चरल थ्योरी ऑफन इंगेज इन क्रिटिकल एनालिसिस सीकिंग टू चैलेंज डोमिनट नरेटिव एंड अनकवर हिडन पावर डायनामिक्स इन कल्चर एंड सोसाइटी दैट्स होल तो ये था कल्चरल थ्योरी लाइक क्रिटिकल थ्यूरी क्रिटिकल थ्योरी क्या कर रहा था यही करता था ना कि जो पावर है जो सोसाइटी है जो कल्चर है उनके दरम्यान में जो रिलेशनशिप है उनके बारे में बात करना जो पावर डायनमिक्स हैं उनके बारे में बात करना कैसे वो सोसाइटी को शेप आउट करें उनके बारे में बात करना सोसाइटी में किस तरह से इनकी बेस पे कहाँ कहाँ पर इनक्वालिटीज़ हैं इनजस्टिस हैं इनके बारे में बात करना है एंड देन चैलेंज करने की कोशिश करना उनको और सोसाइटी में जस्टिस और इन और इक्वालिटी लेकर आना ये कर जाता है कल क्रटिकल थ्यूरी कल्चरल थ्योरी भी क्या कर रहा है यही कुछ कर रहा है लेकिन यहाँ पे किस तरह से कर रहा है वो उनको एक्सपोज कर रहा है कि कल्चर में ये है सोसाइटी में ये है पावर ये कर रही है कल्चर सोसाइटी और पावर का आपस में क्या लिंक है ये सब कुछ बता रहा है वही सब कुछ जो कि क्रिटिकल थ्योरी बता रही थी तो क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली एक ब्रॉडर फील्ड है ऑन द अदर हैंड जो कल्चरल थ्योरी है ना वो क्रिटिकल थ्योरी की एक ब्रांच है कल्चरल थ्योरी इतनी ब्रॉडर नहीं है जितनी ब्रॉडर क्रिटिकल थ्योरी है क्यों क्रिटिकल थ्योरी एक वास्ट लेवल पे है जबकि कल्चरल थ्योरी क्रिटिकल थ्योरी की एक ब्रांच है ठीक है ये पॉइंट आपने याद रखना है लेकिन दोनों का काम क्या है दोनों ही देखते हैं पावर को सोसाइटी को कल्चर को ठीक है कि कैसे जो कल्चर है कैसे उस कल्चर के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं आइडियोलॉजीज़ हैं पावर रिलेशंस हैं उनको देखा जाए उनमें कहाँ इनजस्टिस है कहाँ इनिकवालिटीज़ है और कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया जाए कल्चरल थेरी का भी और क्रिटिकल थेरी दोनों का ही पर्पज़ यही है कि जो ऑपरेसिव सिस्टम्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए क्लियर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल थ्योरी एंड कल्चरल थ्योरी हमारा आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक भी करेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दुआ में खास याद रखेगा स्टेट यूनिवर्सिटी केयर